हेलो व्यूवर्स आज हम करेंगे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फोर एट सिक्स बाई लॉन्ग डिविजन मैथड तो फोर एट सिक्स का स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको पेयर करेंगे पेयर लास्ट से बनेगा देखिए एक पेयर हो गया लास्ट से लास्ट से बने बनता है पेयर तो क्या हो गया ये क्या बचा फोर तो ऐसा नंबर लेंगे या जो खुद से मल्टीप्लाई होकर या तो मेरा फोर आए या उससे कम आए तो ऐसा नंबर लेना है जो खुद से मल्टीप्लाई होकर या तो मेरा फोर आए या उससे कम आए तो देखिए टू टू से टू जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या क्या आएगा टू टू जो फोर फोर आया यहाँ पे टू लिए थे तो यहाँ पे टू लिखेंगे तो फोर माइनस फोर क्या होगा फोर माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो और टू प्लस टू कितना होगा फोर अभी एट सिक्स था ये हम एट सिक्स ये हम एट सिक्स पेयर में उतारेंगे पूरा ये एट सिक्स अभी यहाँ फोर है अब फोर के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे या तो मेरा एट्टी सिक्स आए या उससे कम आए और जो भी नंबर लेंगे दो बार लेंगे तो देखिए यहाँ पे टू मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा टू टू जा फोर और टू फोर जा एट देखिए एट्टी सिक्स से कम आया लाइन आन दिए तो सिक्स माइनस फोर कितना होगा टू एट माइनस एट ज़ीरो इसको ऐड करेंगे टू प्लस टू फोर और यहाँ पे फोर अब देखिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं है और बात यहाँ पे टू लिए थे तो यहाँ पे टू पहले लिख देते हम अब देखिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो पॉइंट देकर हम दो जीरो बैठा सकते हैं कोई नंबर नहीं हो तो हम पॉइंट देकर जीरो बैठा सकते हैं यहाँ फोर फोर है यहाँ पर टू है अगर कोई कुछ भी यहाँ पर हम लिखे कुछ भी मल्टीप्लाई करें यानी वन मल्टीप्लाई किए सबसे मिनिमम मिनिमम नंबर होता है वन अगर वन ही मल्टीप्लाई किए वन वन तो फोर फोर वन हो जा रहा है तो टू हंड्रेड से वो ज़्यादा हो जाएगा तो हमको इसको ये नंबर बड़ा करने के लिए हम यहाँ पे ज़ीरो बैठा रहे हैं ठीक है ये जीरो के लिए हम दो जीरो ले सकते हैं यहाँ पे जीरो लिए इसलिए यहाँ पे हम यहाँ पे भी हमको ज़ीरो बैठाना पड़ेगा ठीक है तो अब देखिए फोर फोर जीरो आ गया अब यहाँ पे कौन सा नंबर लेंगे या तो मेरा ये ट्वेंटी थाउजेंड से कम आए या उससे उसके बराबर आए तो देखिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किए देखिए फोर 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 जीरो से फोर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं फोर यहाँ भी फोर यहाँ भी फोर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरा वन सेवन सिक्स वन सिक्स आ रहा है और अगर हम फोर फोर जीरो से फाइव मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरा टू टू जीरो टू फाइव आया तो यानी ट्वेंटी टू थाउजेंड में ट्वेंटी थाउजेंड से ज़्यादा हो जा रहा है तो इसलिए हम फोर लेंगे तो फोर लेने से क्या क्या हो रहा है यहाँ पे हम फोर लिख फोर लिख देते हैं यहाँ पे फोर यहाँ पे और फोर यहाँ भी ठीक है अगर फोर लिखते तो कितना कितना आ रहा है मेरा वन सेवन सिक्स वन सिक्स वन सेवन सिक्स वन सिक्स ठीक है तो इसको हम माइनस करते हैं टेन माइनस सिक्स कितना होगा फोर और यहाँ पे जीरो था एक लिए थे टेन तो हुआ टेन से वन दे दिए थे तो नाइन बचा नाइन माइनस वन कितना होगा एट होगा यहाँ पर टेन था वन इसको दे दिया था तो नाइन बचा नाइन माइनस सिक्स कितना होगा थ्री यहाँ भी टेन था तो वन इसको दे दिया तो नाइन बचा नाइन माइनस सेवन कितना होगा टू यहाँ टू था वन इसको दे दिया तो वन बचा वन माइनस वन ज़ीरो और ये ऐड हो जाएगा तो फोर प्लस फोर एट ज़ीरो फोर फोर तो यहाँ पर फोर लिए थे तो यहाँ पे हम फोर लिख देते हैं ठीक है तो स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ फोर एट सिक्स इज इक्वल टू कितना होगा टू टू पॉइंट ज़ीरो फोर अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद देखने के लिए